तो जब पिंग हाई होती है तो कुछ ऐसा होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जब से BGMI बैन हुआ है, अच्छा है ना भाई, बंदों की इतनी ज्यादा हाइपिंग हो रही है कि भाई बंदे के मारते कहीं हो रहे गोली और लगती कहीं हो रहे, ठीक है, और भी इतने ज्यादा लैग हो रहा है कि भाई क्या ही बता दो। तो भाई अगर आपकी भी हाइपिंग है फिर लैग हो रहा है तो भाई समझ गया, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कभी भी हाइपिंग नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है, अरसों के जब से BGMI बैन हुआ है ना भाई, तब से इतनी ज़्यादा हाइपिंग हो रही है कि बंदे के भाई बुलेट लगती कहीं और भाई मारते कहीं हो रहा है, या फिर बंदा हमको कम मार के चले जाता है हमको पता नहीं लगता। तो भाई लैग और हाइपिंग, अगर आपकी भी हाइपिंग या फिर लैग हो रहा है ना, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको इतनी खतरनाक वाली सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आपकी ना तो हाइपिंग होगी और ना ही कभी लैग होगा, ठीक है, इस वाले अपडेट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड भाई देखो, ये वाली जो सेटिंग बताने वाला हूँ सबके मोबाइल में काम करेगी, एंड भाई सबके सिम में काम करेगी, आपके पास चाहे आइडिया, वोडाफोन, जियो या फिर एयरटेल वगैरह किसी भी सिम हो, कोई भी मोबाइल हो आपके पास, सब में ये हाइपिंग वाली सेटिंग काम करेगी। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली सेटिंग के बारे में। देखो, आपको अपने BGMI के अकाउंट में चले जाना है, एंड सबसे पहले आपको जो सेटिंग बताऊंगा वो सबको ही करनी है। आपको इसको लॉन्ग आउट कर देना है, ठीक है, अपनी आईडी को लॉन्ग आउट कर देना है। एंड के लॉन्ग आउट करते ही ना आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे जो अभी आपके सामने आने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक तीन ऑप्शन आएगा राइट साइड में, एक तो हेल्प, एक लैंग्वेज और यहाँ पे रिपेयर। आपको रिपेयर पर टैप करना है, एंड के रिपेयर पर टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रूटीन रिपेयर एंड यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, इन दोनों पे आपको टिक मार देना है, ठीक है, जो रेड डिजाइन पे यहाँ पे करेक्ट कर देना है, राइट कर देना है। ये दोनों को टिक लगाने के बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद सबसे पहली सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, एंड के यहाँ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का एक ऑप्शन। आपको यहाँ पे सिम वन पे आना है, जिस भी सिम में आपके सिम पड़ी हो उसमें जाना है, जैसे कि मेरी सिम वन में, तो सिम वन पे आता हूँ। तो सबसे नीचे आपको जाना है, यहाँ पे आपके सामने आएगा एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN करके, ठीक है, यहाँ पे मेरे में एक्सेस पॉइंट नेम है, एंड इस पर टैप करना। आपके सामने एक प्लस का आइकन आएगा या तो फिर नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, आपको प्लस के आइकन पर टैप कर देना है। एंड गाइस आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाएगा छोटा सा, आपको इसको फिल करना है। तीन चार ऑप्शन ही चेंज करने हैं जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नाम के बारे में। देखो यहाँ पे आपको नाम जो लिखना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है एक्स नियोन घोस्ट 5G। देखो जिसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए ये स्पेलिंग लिखी ना, आपको सेम ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है एक्स नियोन घोस्ट 5G। आपको इसको लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद इसके नीचे आएगा APN, आपको APN पर टैप करना है, ठीक है, इस पर APN पर टैप करना है जैसे उसके नीचे, और यहाँ पर आपको लिखना है 5G प्लस XG, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है 5G प्लस XG, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे छोटे अक्षरों में ही लिखना है सब कुछ ये, और ये लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद प्रॉक्सी इसको नहीं छेड़ना, पोर्ट को भी नहीं छेड़ना, एंड यहाँ पे आएगा यूजर नेम, आपको यूजर नेम पे आना है, एंड के यूजर नेम पे जो आपको बताऊंगा वही लिखना, पूरे ध्यान से देखना आपको, ठीक है, जो जो मैं लिखा आप पूरे ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको लिखना है @XNeonAI, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है @XNeonAI, आपको ये लिखने के बाद ओके कर देना है, छोटे अक्षरों में ही सब कुछ लिखना है। उसके बाद पासवर्ड के आएगा, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आएगा सर्वर, आपको सर्वर पे यहाँ पे लिखना है। देखो अगर आपके पास जियो का सिम है तो भाई www.jio.5gplus.com, ठीक है, ये लिखना है। अगर आपके पास एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर आइडिया है ना, तो भाई जियो की जगह आप उनका नाम लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जियो है तो भाई मैं जियो लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ये लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद MMSC, इसको नहीं छेड़ना, MMS प्रोक्सी नोट सेट, इसको भी नहीं छेड़ना। उसके बाद सबसे नीचे जाना है, एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप मिलेगा आपको, ठीक है, आपको ऑथेंटिकेशन टाइप मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे
दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है पैप, ठीक है, आपको पैप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है एपीएन टाइप, इसको नहीं छेड़ना, एपीएन प्रोटोकॉल आएगा आपको उसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक है, एपीएन प्रोटोकॉल पर आएगा उसको टैप करना है। थर्ड वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 वाला, तीसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। एंड एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा इसके नीचे, इसको भी आपको तीसरे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना है, IPv4/IPv6 वाला। उसके बाद जो मेन सेटिंग रहती है ना इस बियरर की, वो होती है भाई यहाँ पे बियरर, ठीक है, आपको बियरर पे आना है। एंड सबसे पहले आपका अनस्पेसिफाइड रहेगा, आपको अनस्पेसिफाइड से हटा करके आपको LTE, HSPA, HSPA और यहाँ पे HSUPA, HSDPA, ये जितने भी आप बियरर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे EDGA को छोड़ के और यहाँ पे EVB और यहाँ पे EVDOA, आपको इनको छेड़ करके दो तीन छोड़ने जो आपको दिखाने वाला हूँ। एंड के जिस बंदे के मोबाइल में एक से ज़्यादा बियर ना हो, यानी कि कभी कभार भाई ज़्यादा बियर नहीं होते हैं, तो उनके LTE सिलेक्ट कर लेना ओनली, ठीक है, उनको LTE सिलेक्ट कर लेना है। एंड के ये लिख करने के बाद आपको ओके कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है, ये APN आपका बनकर तैयार हो जाएगा सेव, ठीक है, इसको सेव कर देना है। एंड यहाँ पे आपका न्यू APN आएगा X Neon Ghost 5G, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड जब बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, दोबारा से अबाउट फोन पे आना है। एंड अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो यहाँ पे ऑल स्पेस पे आना है, MI UI वर्जन पे आना है, ठीक है, आपको 7 बार टैप कर देना है, लगातार आपको 7 बार टैप कर देना, आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है, आपको बैक आना है। एंड बैक आने के बाद सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली सेटिंग आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगी, आपको एडिशनल सेटिंग पे आना है, ठीक है, ये सेटिंग ऑन करते ही आपको एडिशनल सेटिंग पे आना है। उसके बाद आपको सामने एक डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको डेवलपर ऑप्शन पे आना है। एंड इसको टैप करना ही ना, आपको जो सेटिंग बताऊंगा आपको सेम वही करनी है, आपको नीचे जाना है, सबसे पहले आपको मिला ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंसेस, ठीक है, आपको ये मिलेगा, आपके में गेमिंग ड्राइवर भी हो सकते हैं और यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर भी हो सकता है, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। एंड आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ढूंढ लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये रहा मेरा बैटल ग्राउंड इंडिया, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। एंड टैप करने के बाद देखो आपका यहाँ पे डिफॉल्ट होगा, आपको डिफॉल्ट से हटा करके सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर कर देना है, ठीक है, आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर कर देना है डिफॉल्ट से हटा करके। एंड आपको बैक आ जाना है, ठीक है, बैक आने के बाद आपको नीचे जाना है, फिर आपको एक सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको बताता हूँ आपका मोबाइल फास्ट कर देगा, ये आपको यहाँ पे विंडो एनिमेशन पे आपका 1x होगा, आपको यहाँ पे 1x से हटा करके 5x कर देना है। उसके बाद जो नीचे वाला है ये भी आपको 5x कर देना है, एनिमेटर भी आपको 5x कर देना है, ठीक है, उसके बाद नीचे जाना है। एंड आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे आ जाना है, इस पर टैप कर देना है। एंड टैप करने के बाद आपका स्टैंडर्ड लिमिट होगा, आपको इससे हटा करके 9 बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड लिमिट होगा, इससे हटा करके 9 बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। एंड ये वाली सारी सेटिंग ऑन करते ही आपको अपना मोबाइल रिबूट या फिर एक बार रिस्टार्ट कर देना होगा। एंड भी जितनी भी सेटिंग बताइए आप लोग जरूर यूज करना, आपकी कभी भी हाइपिंग नहीं आएगी और भी यहाँ पे आपका लैग भी नहीं होगा। तो यार वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, और यार सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, बाय बाय।